Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. मैं रामवीर स्वागत करता हूँ इंडिया के number one study learning channel Wi-Fi Study में. हाँ दोस्तों, हम वेल्डिंग की बात कर रहे थे आज, वेल्डर ट्रेड में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, एसी आर्क वेल्डिंग की बात कर रहे हैं. इसके अंदर इलेक्ट्रिक आर वेल्डिंग में दो वेल्डिंग आती हैं, एक तो एसी आती है और एक डीसी आती है, ठीक है. तो ये आर्क वेल्डिंग है. और एक बात आप हमेशा याद रखना कि भाई देखो, आर्क वेल्डिंग जब भी आएगी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना, 4000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर क्रिएट हो सकता है, ध्यान रखना है ना, छोटी सी बात है. लेकिन एक बात और है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेल्डिंग में कितना भी टेम्परेचर क्रिएट हो रहा हो, लेकिन वर्किंग प्रोसेस में केवल उसका आधा ही टेम्परेचर आता है काम में. तो मतलब कुल मिलाकर कहा जाएगा 4000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है, तो जिसका मतलब ये नहीं है कि 4000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के जॉब को वेल्ड कर सकती है. ये वेल्ड करने में सक्षम होगी 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक वाले जॉब को. जैसे मान लीजिए, अगर आपके पास कोई निकल स्टील का या निकल क्रोमियम स्टील का कोई जॉब है और उसका गलनांक लगभग 2600-2700 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होगा, तो अगर आपको उसको वेल्ड करना है तो आप इससे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से वेल्ड कर पाओगे. अच्छा ध्यान सुनो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ, बाकी आप इतने सारे स्टूडेंट काफ़ी सारे आ चुके हो तो पूछ सकता हूँ थोड़ा सा. तो एक क्वेश्चन मेरा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए भाई, हमारे पास आर्क वेल्डिंग है, हमें आर्क वेल्डिंग करनी है ना, और जब हम एसी आर्क वेल्डिंग करेंगे तो हम यूज़ में लेंगे ट्रांसफार्मर. क्या यूज़ में लेंगे भाई? ट्रांसफार्मर, ठीक है. तो आप पहले क्वेश्चन का जवाब दें कि ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा, बताइए. जो आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है उसमें ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा, बताइए भाई, जल्दी बताइए थोड़ा फास्ट. हाँ सर, टेक्निकल का कोई पीडीएफ? अरे भाई, पीडीएफ आपको पीडीएफ वाले ऐप पर मिल जाता है. आप पीडीएफ अपना पहले तो ऐप डाउन करो, है ना, ऐप डाउनलोड करो और फिर उसके बाद में. सर कल क्या हुआ था, विनीत जी बोल रहे, बोले सर कल क्लास लगी तो थी लेकिन थोड़ा लेट लगी थी, कुछ कारण थे हमारे, ये मान के चले मैं सोता रह गया था, है ना. लेकिन मेरी क्लास तो लगी थी कल, थोड़ा लेट हुई थी लेकिन हुई थी क्लास, ठीक है. अच्छा, ऐसा नहीं था मैं सो नहीं रहा था थोड़ा. हाँ क्या बोल रहा था आगे, स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप बताओ कौन सा होगा, स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा, बता दो जरा. स्टेप डाउन शाबाश शेरों, शाबाश, यानी आप लोग लेक्चर देखते हो, समझते भी हो. बहुत अच्छे, बहुत खुशी हुई आप लोगों का आंसर जान करके कि भाई किसी भी मतलब एसी आर्क वेल्डिंग के अंदर जो वेल्डिंग के लिए जो हमारा जो क्या नाम है आपका ट्रांसफार्मर यूज़ में आएगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा. बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छा बताया है ना. हाँ, क्योंकि हाई करंट मिलेगा हमारे को, वोल्टेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा. शाबाश, हाई करंट के लिए हमारे को जरूरत यहाँ पड़ने वाली है और वोल्टेज हमारे को यहाँ क्या मिलेगा, कम मिलेगा. स्टेप अप नहीं बोलना है राकेश कुमार जी, आपने गलत बोला है, स्टेप अप है ना, गलत बोला है, ठीक है. दोनों अपना हटा लो, है ना दोनों वाले आज जितने भी है ना वो सारे से अपना दोनों हटाओ. क्यों? क्योंकि दोनों का यूज़ स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों का यूज़ नहीं होगा, केवल और केवल स्टेप डाउन का यूज़ होगा. ध्यान समझिएगा, देखो आप समझो जरा बात को. जो वेल्डिंग करने वाला व्यक्ति होता है, वेल्डिंग कर रहा होता है उस समय पर जॉब को अपने हाथ में पकड़े होता है. वैसे तो उसके जो ग्लव्स होते हैं वैसे क्रोमियम लेदर के रहते हैं, क्रोमियम लेदर के ग्लव्स रहते हैं और उससे पकड़ा रहना चाहिए. और कभी कभी क्या होता है कि वो कभी कभार वैसे रबर की चप्पल पहन करके रखते हैं, जो भी आपके
रबर के या सेफ्टी शूज वगैरह पहन के रखते हैं, लेकिन कभी कभी वो जॉब के ऊपर खड़े भी होते हैं, उस जॉब को नंगे हाथों से पकड़ा हुआ होता है ना, तो कुल मिलाकर उस जॉब से पूरी तरह टच होते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए फिर वेल्डिंग कर रहे होते हैं। अब वेल्डिंग कर रहे होते हो तो कुल मिलाकर क्या, हमें ये सोचना चाहिए कि यार जब वो इंसान वेल्डिंग कर रहा है उसे पूरी तरह टच किया हुआ है और फिर भी उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो उसके लिए अंदर कुछ ना उसका कोई ना कोई मेन रीज़न रहा होगा। तो उसका रीज़न वह मुख्य है, वो क्या है कि 40 से 60 वोल्टेज पर वेल्डिंग होती है। कितने वोल्टेज पर होती है? 40 से 60 वोल्टेज पर वेल्डिंग होती है। 50 हर्ज के लिए हमेशा वेल्डिंग कितने पर होगी? 50 हर्ज हमारी फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारी जो वेल्डिंग होगी 40 से 60 वोल्टेज पर होती है ना। तो 40 से 60 वोल्टेज हमारे को चाहिए होता है। अब ध्यान से समझना, इंसान जो है ना 90 वोल्टेज तक ध्यान समझो, 90 वोल्टेज तक का करंट क्या मतलब आपका वोल्टेज की जो सप्लाई अगर उसके शरीर में चली जाती है तो उससे उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। अब सुन लो, समझना जरा, यहाँ बात 90 वोल्टेज की नहीं है, बात यहाँ पर समझो, अगर हम 40 से 60 वोल्टेज की बात करते हैं और अगर हमने उसे पर्टिकुलर फिक्स इस तरीके से मतलब दबा के पकड़ा हुआ किसी जॉब को है ना, और उसका करंट हमारे शरीर के अंदर फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली 40 से 60 वोल्टेज में। एसी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, डीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। डीसी में तो ये 15 से लगभग 25 वोल्टेज या 15 से 30 वोल्टेज में काम हो जाएगा डीसी की। डीसी की बात हम आज नहीं करेंगे, डीसी की बात हम कल की क्लास में कर लेंगे थोड़ा डिटेल के साथ में, लेकिन आज तुम थोड़ा वेल्डिंग के बारे में हल्का सा समझ लो है ना, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो डीसी की बात नहीं कर रहे, 40 से 60 वोल्टेज एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के अंदर, तो 40 से 60 वोल्टेज ही आपको आंसर लगाना था। ठीक है, अब समझते हो पॉइंट टू पॉइंट बात को। तो 40 से 60 वोल्टेज को अगर वो इस तरीके से पकड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90 वोल्टेज की बात करते, भाई 90 वोल्टेज की है उस छड़ को आप पकड़ रहे हो, तो 90 वोल्टेज का अगर आप पकड़ोगे ना, तो जैसे आप टच करोगे तो टच करते आपको करंट तो उतना ही लगने मतलब झटका तो लगने वाला है, ऐसा नहीं है कि झटका नहीं लगेगा, झटका लगेगा, लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता होगी कि आप उसे टच करके क्या कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। कुछ समय के लिए टच करके रख सकते हो, यानी अधिक से अधिक समय के लिए टच करके रख सकते हो, फिर आप उसे क्या कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर 90 वोल्टेज के ऊपर के करंट के 90 वोल्टेज के ऊपर की बात करें, तो 90 वोल्टेज के ऊपर क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा खुद का जो प्रत्यावर्ती क्रियाएँ जो होती हैं, जिस तंत्रिका तंत्र जो होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रभावी हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जो भी हमारे सप्लाई जो हमारे शरीर के अंदर जाएगी वो उसको क्या करेगी, थोड़ा ख़राब कर देगी। ख़राब करने का मतलब समझना मेरी बात को, तंत्रिका तंत्र ही वो चीज़ होती है जो हमारे माइंड से मैसेज को मसल्स के थ्रू अंगों तक पहुँचाती है। ठीक है, अगर मान लो आपके शरीर के अंदर 90 वोल्टेज से ज़्यादा का क्या है सप्लाई जा रही है, उस समय पर क्या होगा, 90 वोल्टेज से ज़्यादा जा रही है। ठीक है, 110 वोल्टेज तक भी हम ठीक मान के चलते हैं, क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं 110 वोल्टेज का, 110 90 से 110 मान सकते हैं, लेकिन 90 वोल्टेज से कम का हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 110 तक ठीक है, लेकिन 110 के बाद में अगर आपने के अंदर से एक बार सप्लाई हो गई, उसके बाद में फिर आप उस जॉब को छोड़ना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाए। क्यों? क्योंकि इधर से इसका विभव हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, जो हमारे शरीर का विभव है वो इतना प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर में भी क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है, तभी जाके तंत्रिका तंत्र हमारा काम करता है। अब आपका माइंड कितना ही मैसेज करेगा कि हम इसको जॉब को क्या कर दें, छोड़ दें, हम इस जॉब को क्या कर दें, छोड़ दें, वो मैसेज आपके मसल्स तक पहुंचेगा नहीं, और मसल्स वर्क इस हाथ को नहीं करेंगे आपके, इसको अगर आपने एक बार पकड़ लिया तो जब तक कोई बाहर से आकर के आपके दोनों हाथों को हटाएगा नहीं, तब तक आप इस जॉब को पकड़े ही रहोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी बाहरी विभव आपके शरीर के ऊपर पूरी तरह क्या हो गया, हावी हो गया, यानी बाहर का 90 एसी का जो 90 वोल्टेज का जो है ना विभव, वो हमारे शरीर के ऊपर हमारे शरीर के ऊपर हावी नहीं होता है 90 वोल्टेज तक, 90 वोल्टेज के ऊपर हावी हो जाता है। तो हमारे पास देखो जितनी भी हम वेल्डिंग करते हैं ना, उन वेल्डिंगों के अंदर 40 से 60 का यूज़ होता है। अब समझना मेरी बात, जब 40 से 60 का यूज़ होता है तो वेल्डिंग करने वाले को कभी कोई नुकसान भी नहीं होगा। समझ गए ना मेरी बात, तो वेल्डिंग करने वाले व्यक्ति को कभी भी इलेक्ट्रिक मतलब आपने नहीं सुना होगा कि भाई वेल्डिंग करते करते मामला है ना, इलेक्ट्रिशियन का बड़ा दिक्कत वाली बात है, वहाँ थोड़ा बहुत 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 सारा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी थोड़ा। तो पहले नंबर पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर 40 से 60 वोल्टेज पर ही क्या होती है, वेल्डिंग होती है। तो तीसरी बात, टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। और अब जो मैं इस चैप्टर की मुख्य बात बताने वाला हूँ, जरा मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, बताओ भाई एसी आर्क वेल्डिंग किस पर होगी,
क्या ये एसी आर्क वेल्डिंग की जा सकती है। ठीक है, एक ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना, ए ऑप्शन में मैं आपको यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रहा हूँ एसी आर्क वेल्डिंग की जाती है, बी में सी यू, सी में ए एल, डी में उपयुक्त सभी। पूछा है मैंने एसी आर्क वेल्डिंग की जाती है, एसी आर्क वेल्डिंग की जाती है, बताओ भाई आंसर, की जाती है, की जाती है, बताइए आंसर क्या आएगा, एसी आर्क वेल्डिंग की जाती है। एफ यानी लोहे पर, सी यानी कॉपर पर, एल्यूमिनियम पर, या उपयुक्त सभी पर, बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, देते जाओ तुम तो जवाब, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा में हूँ, दो पाँच मिनट लूँगा, बताओ क्या जवाब दे रहे हो आप लोग, एसी आर्क वेल्डिंग की जाती है, शाबाश शेरों, तुम तो कमाल करोगे। हाँ, मुझे पक्का विश्वास था और मुझे 100% विश्वास था कि आप में से लगभग 60% बच्चे डी ऑप्शन को फॉलो करेंगे, मुझे मालूम था। अरे देवताओं देवताओं, कल ही मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम पर, या दो तीन क्लासों में मैं आपसे बताता आ रहा हूँ, एल्यूमिनियम पर केवल एक वेल्डिंग TIG हो सकती है ना, इसके अलावा दुनिया की कोई वेल्डिंग नहीं हो सकती। जब मैंने आपसे पहले ही बोल दिया TIG होती है, फिर वो तो उपयुक्त सभी तो आने का पहली बात तो यहीं से एक तरीका था जहाँ से सवाल मतलब आना। अब ध्यान सुनो, अगला पॉइंट देखो, जो एसी आर्क वेल्डिंग है, कभी भी एसी आर्क आ जाता है, कभी भी क्या आ जाता है, एसी आर्क आ जाता है, तो एसी आर्क केवल और केवल किस पर होता है, लोहे पर होता है, कभी भी कॉपर पर नहीं होगा, कभी भी एल्यूमिनियम पर नहीं होगा, तो उपयुक्त सभी कभी आएगा भी नहीं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, लोहा ही आएगा, आप लोग गलत मत किया करो, है ना। चलो डीजल बोलो बालों की क्लास कब होगी, दिलीप कुमार मीणा जी ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, हमने डीजल थ्योरी स्टार्ट की थी कब, जब ये ऑप्शन फॉर्म नहीं भरवाए गए थे, जो दोबारा से ऑप्शन फॉर्म भरवाए गए हैं उसमें काफ़ी सारे बच्चे जो इधर उधर की रेफ्रिजरेशन ले रखी थी, हीट इंजन ले रखी थी, मैकेनिक वो व्हीकल वगैरह ले रखी थी, और मतलब अदर फिटर विटर और भी ट्रेड ले रखी थी, तो बच्चे क्या नाम है डीजल में कम थे थोड़े से, तो उस समय हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अब थोड़ी मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के, भाई आप लोगों ने अपने ऑप्शन चेंज करके तुरंत डीजल मैकेनिक में आ गए, क्योंकि वो एक साल की ट्रेड है, सिंपल पढ़ती है आपके लिए, तो आपने उस समय लाइव क्लास देखी नहीं है, है ना। तो कुल मिलाकर के पहली बात तो जो पुरानी क्लास हो चुकी है, पुरानी क्लास वीडियो नंबर 1 से लेकर के आप वीडियो नंबर 10 तक आप देख सकते हो आराम से, आपको डीजल मैकेनिक की क्लासें मिल जाएगी पहली बात, है ना। और 10 वीडियो देखने के बाद में फिर ऑल ट्रेड के जो टूल्स हैं, ऑल जो ट्रेड है उसके जो टूल्स हैं वो टूल्स आप देख लो, ठीक है। तो 10 तो वीडियो ये देख लो, टूल्स देख लो, 20 हो गए लगभग। अब 20 देखने के बाद में आप क्वालिफाइंग नहीं हो तो मेरे से कहो बोले यार क्वालिफाइंग नहीं हो पाएंगे, तो ध्यान समझो इसमें आप आराम से क्वालिफाइंग हो जाओगे, आराम से हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली, दूर दूर तक कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ध्यान से समझ लेना इन चीज़ों को, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझाई गई हैं, 4-स्ट्रोक इंजन मैंने पूरा समझाया, 2-स्ट्रोक इंजन मैंने पूरा समझाया, है ना, SI इंजन मैंने पूरा समझाया, है ना, CI इंजन मैंने पूरा समझाया, एक एक क्वेश्चन समझाया। और मैं ये बोल रहा हूँ प्रत्येक क्लास से 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन नॉर्मल ही बैठने वाले परीक्षा में था, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने केवल हिट ही वहाँ किया है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बोरेटर हमने पढ़ा है, FIP हमने पढ़ा है, अब ऐसी क्या चीज़ नहीं थी वो हमने नहीं पढ़ी, उसके अंदर सारा कंप्लीट किया है ना। और फिर भी देखो संख्या ज़्यादा है, मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों के जैसे दो बार तीन बार ऑप्शन फॉर्म भरवाया गया, एक बार दो बार नहीं तीन बार भरवा दिया रेलवे ने, अब तीन बार आप लोग, तीसरी बार में भी आप लोगों ने बढ़िया मतलब डीजल मैकेनिक में बढ़िया चुन लिया मैकेनिकल वालों ने, तो ध्यान समझो मैं दोबारा से एक और बार आपका रिवीजन ले लूँगा डीजल मैकेनिक का। लेकिन कृपया करके बार बार ये मत बोला करो सभी से कि डीजल मैकेनिक की क्लास के लिए ना,
है ना। हाँ भैया, जिसको थोड़ा देख लो भैया, अपने हिसाब से पढ़ाई करना शुरू कर दो, है ना। अब इधर ध्यान दो, मैं अब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह 6 बजे जग जाते हो, बहुत अच्छी बात है, ये कम नहीं है आपके लिए, इधर ध्यान देंगे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो, ये बाहर के कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, ये नहीं क्या क्या है ना, चलिए ठीक है, इधर ध्यान देंगे। वेल्डिंग मशीन देखो, वेल्डिंग मशीन देखने में अपने पास यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर से यहाँ से 2 वायर निकले हुए, ठीक है। एक वायर तो हमारा सीधा सीधा जॉब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कई जगह पर आपसे ये बोला जाता है, इस वाले जॉब को क्या कर दो, ग्राउंड कर दो। ग्राउंड करना सही होता है वैसे तो, कहा जाए तो ग्राउंड करने से आर्क जो है वो टूटती नहीं है, लेकिन हकीकत बात तो ये, टेक्निकली जब ये क्वेश्चन आता है ना, प्रैक्टिकली जब ये आएगा ना, प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे ना, तो प्रैक्टिकली जब हम करेंगे भाई, प्रैक्टिकली तो बताना नहीं है एग्जाम में, तो उस समय अगर इसको ग्राउंड बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारे परीक्षा में जब ये क्वेश्चन आएगा, तो परीक्षा में आपको ये ध्यान रखना, जॉब को सदैव क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया जाता है। किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया जाता है। और आपका जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, इलेक्ट्रोड तो आपका ये है, ये इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड हमेशा एसी आर्क वेल्डिंग के अंदर कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज किया जाएगा। कोटेड यानी जिसके ऊपर क्या नाम है, सिरेमिक है ना, और क्या नाम है आपके लकड़ी का बुरादा, और उसके ऊपर कोटेशन चढ़ा रहेगा, एक कोटेशन की थिकनेस रहेगी। और वो कोटेशन क्या काम करता है, जब एसी आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, एक हाफ साइकिल पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आर्क क्या होती है, टूटती है। तो जब आर्क टूटती है तो उस समय पर हमारा आर्क का स्थायित्व तो बनाए रखने का काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वो भी चीज़ें बता दूंगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए, कोटेड इलेक्ट्रोड रहेगा, इलेक्ट्रोड होल्डर किससे जुड़ा रहेगा, फेस से जुड़ा रहेगा, और जब हम इसे टच करके यहाँ से हटाएंगे तो आर्क क्रिएट होगी, स्पार्क क्रिएट होगी ना, स्पार्क हमारे को नुकसान पहुँचाती है और आर्क हमारे को फायदा पहुँचाती है। आर्क का मतलब, आर्क हमें क्या करती है, फायदा पहुंचाती है ना। आर्क हम अपने काम के लिए यूज में लेते हैं, है दोनों चीजें की, और स्पार्क हमारे को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो हम यहाँ आर्क बोलते हैं ना, स्पार्क नहीं बोलते, ठीक है। तो जैसे हम इसको टच करके हटाएंगे, हटाने के बाद में तुरंत यहाँ स्पार्क मतलब आर्क क्रिएट होगी। अब हटाएंगे कितने mm तक हटाएंगे, तो ध्यान से सुनो, वैसे तो जो आपके इलेक्ट्रोड की जितनी मोटाई होती है, उस मोटाई यानी व्यास के बराबर ही आपका गैप रखा जाता है। जैसे मान लो ये 3 mm का है, तो आपका गैप भी 3 mm का ही रहेगा। इससे ज़्यादा अगर आपने गैप बनाया तो स्पार्क क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और सबसे बड़ी कला ही यहाँ पर ये है कि इस गैप को बनाए रखना। कभी भी वेल्डिंग करते समय हमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा वो नहीं रहता महसूस हो, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर वेशर नहीं लगाना रहता। हमारे को सिर्फ इतना अंदाजा रखना पड़ता है कि भाई जब हमने इस इलेक्ट्रोड को जो हमने टच करके क्या किया, हटाया, तो टच करके हटाया तो एक निश्चित दूराई तक हमने इसको रखना रहता है, और एक निश्चित दूराई तक मतलब इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस बना रहना चाहिए। और धीरे धीरे इलेक्ट्रोड क्या होता है, पिघल करके यहाँ पर गिरता जाता है। तो आपका ये एक निश्चित क्रम से आपको क्या करना है, इसको नीचे की साइड भी ले जाना है। तो मेन तो यही रहता है। तो कितने mm का गैप रखा रहता है यहाँ पर, 3 mm का। आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बोल सकते हो, 3 से 5 mm का गैप रख सकते हो, इससे ज़्यादा गैप नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो वह कौन सी वेल्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रोड को कोटेड बनाया जाता है, तो आपको बोलना है एसी आर्क वेल्डिंग। डीसी आर्क वेल्डिंग में कभी भी इलेक्ट्रोड को कोटेड नहीं बनाया जाता, आवश्यकता नहीं होती। अगर बना दोगे तो नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन हाँ बनाया नहीं जाता है, ठीक है। और कभी भी आप भी देखना, कभी भी कोई भी डीसी आर्क वेल्डिंग जगह आपके घरों में किसी स्टेनलेस स्टील का कोई काम वगैरह होता है ना, तो उस समय देखना आप उसके अंदर भी इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या नहीं होती, परत नहीं होती, और उसे हटा देते हैं या तो अगर ये नॉर्मल यूज में लेते हैं तो। ध्यान समझो, इलेक्ट्रोड क्या होता है, कोटेड होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो थोड़ा छोटा पॉइंट था ना, इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ट्रांसफार्मर कौन सा है, तो ध्यान समझो, यहाँ पर यहाँ क्लियर आ रहा होगा समझ में आपके, ट्रांसफार्मर जो रहेगा वो स्टेप डाउन रहेगा। क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन रहेगा। इसकी सेकेंडरी कॉइल से आपका एक वर्क जो आपका होल्डर है, इलेक्ट्रोड होल्डर, वहाँ पर सप्लाई गई होगी, और एक सिरा आपका किससे जुड़ा होगा, जो मेटल के टेबल, यहाँ तो मेटल के टेबल शो की गई है, ठीक है। तो ये सही प्रोसेस है ना, लेकिन आपकी ये जो आपकी मेटल की टेबल है, ये कौन सी टेबल होती है, ये सरफेस टेबल, जो सरफेस टेबल होती है वो रहती है ना,
जो कास्ट आयरन के बनी रहती है, यहाँ पर इसको इसके साथ जोड़ा गया, या फिर आप जॉब के साथ क्या कर दो इसको जोड़ दो। तो पूछा जाता है कि भाई एसी आर्क वेल्डिंग में जॉब को किया जाता है, क्या किया जाता है, न्यूट्रल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। अब इलेक्ट्रोड हमने यहाँ लगा रखा है ना, अब ध्यान समझो, जब हम इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा एंगल कितना रहना चाहिए, हाँ एंगल कितना रहना चाहिए, तो हमेशा याद रखना 60-70 डिग्री का आपका एंगल यहाँ रहेगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, इस एंगल को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा 60-70 का ही रहेगा, लेकिन एग्जाम में आपको 60-70 ही लगाना है। घटेगा बढ़ेगा का ये डिपेंड करता है आपका जॉब किस टाइप का है। अगर आप क्या कर रहे हो, चीज जॉब की डेप्थ में, गहराई में वेल्डिंग कर रहे हो, तो आपको 70 डिग्री एंगल रखना पड़ेगा, है ना। मोटा होगा जॉब तभी तो डेप्थ में जाओगे, और डेप्थ में जाओगे तो आपको इलेक्ट्रोड कितने 70 डिग्री पर रखना पड़ेगा। और अगर आपका जॉब क्या है, पतला है, तो जितना आपका पतला है तो आप क्या करो, थोड़ा सा उसे डाउन करके रखो हल्का सा, है ना। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से वेल्डिंग का प्रोसेस रहता है। 60-70 डिग्री का आपको उसको एंगल लगाना है। जय माता दी सभी को, भाई साहब तुम लोग है ना सुबह सुबह, बहुत अच्छी बात है ना। चलो इधर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो थोड़ा सा, है ना। इमेज को नीचे स्टेप अप। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बड़ा कर रहा हूँ ना, इसके नीचे समझ गया मैं आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो ना, आर्क स्टेप अप, ठीक है। यहाँ जो वर्ड लिखा हो इस वर्ड पर आप मत जाओ थोड़ा सा, है ना, थोड़ी समय के लिए, मैं इस पर मैं ध्यान भी नहीं दिया होगा, हो सकता है आपको स्टेप लेना है, हमेशा स्टेप डाउन ही होता है, ऐसा कुछ वो नहीं रखना है ना, ठीक है। ये फिगर के अकॉर्डिंग कर रखा है, ऐसा कुछ वो नहीं है ना, मैं इसको रफ कर दिया, ठीक है, ध्यान समझो मेरी बात को जरा। तो आपका जो ट्रांसफार्मर रहेगा वो तो हमेशा स्टेप डाउन रहेगा, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, एसी आर्क वेल्डिंग मशीन से ना, तो हमने क्या सप्लाई से जोड़ रखा है, ट्रांसफार्मर सप्लाई से जोड़ रखा है, फिर यहाँ पर क्या आउटपुट मिला हुआ, आउटपुट कहाँ गया हुआ है आपका, ये जो एक टेबल को हमने कनेक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर जॉब रखा हुआ है, जॉब के ऊपर आपका इलेक्ट्रोड रखा हुआ, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट भाई, क्या और भी क्या क्या चीज़ें रहती है ना, तो ध्यान समझो। अब यहाँ तो इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है आपका इलेक्ट्रोड, कुछ इस तरीके से देखा होगा आपने इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो किसका रहेगा, धातु क्या रहेगी इलेक्ट्रोड की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड की जो धातु रहेगी वो रहेगी मीडियम कार्बन स्टील, कौन सी रहेगी, मीडियम कार्बन स्टील। इसके ऊपर क्या रखा, कोटेशन, लकड़ी का बुरादा होता है, रुई होती है इसमें, है ना, सिरेमिक के अंदर एम्ब्रिक पेस्ट, एम्ब्रिक केक या पेस्ट की सहायता से इसके ऊपर क्या किया जाता है, लगाया जाता है ना। ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के भी ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के भी ऑक्साइड होते हैं, तो ये सब मिलाकर के इसकी ऊपरी परत बढ़ाई जाती है, और ये इधर वाला जो हिस्सा होता है वो आपको अंदर की तरफ जो रॉड डली होती है वो मीडियम कार्बन स्टील की होती है, ठीक है। और जिस इलेक्ट्रोड के अंदर इसको जोड़ा जाता है, वो इलेक्ट्रोड होल्डर हमेशा रहता है कॉपर का, किसका रहता है, इलेक्ट्रोड हमेशा कॉपर का रहेगा, ठीक है। पूछा जाता है कि भाई, पूछा गया है कि बताओ एसी आर्क वेल्डिंग के अंदर जो होल्डर रहता है, जो एसी आर्क वेल्डिंग के अंदर जो होल्डर रहता है वो किस धातु का बना रहता है ना, तो आपको हमेशा याद रखना ये होल्डर जो है वो किस धातु का बना रहता है। तो आपको क्या बोलना है, हमेशा हमेशा आपको बोलना है किसका बना रहेगा, किसका बना रहेगा, कॉपर का बना रहेगा। या ग्राउंड हटा देना, ग्राउंड नहीं होता है ये, न्यूट्रल होता है ना, आपको न्यूट्रल बोलना है। लेकिन हकीकत बात मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली जब भी जाओगे तो ग्राउंड करोगे तो ज़्यादा फायदा होता है, क्यों, क्योंकि अधिक जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है ना, वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता ग्राउंड करने से, है ना, फायदा होता है ना। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लगाना है, हमारे को एग्जाम में न्यूट्रल ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए ना, क्योंकि ये एग्जाम का ये सही आंसर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना होगा, ये किसका बना होगा, कॉपर का बना होगा। और चीज़ें देखते जाना यहाँ से, ठीक है। ये जो लीड होगी ना, ये वाली जो लीड होगी ना, ये लीड भी किसकी होगी, कॉपर की होगी, ये लीड भी कॉपर की होगी। क्लैंप जो होगा ये भी क्या होगा, कॉपर का ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, बाकी आपका यहाँ पर ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, बाकी आपका यहाँ पर ये क्या है, ट्रांसफार्मर। तो ज़्यादा अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है ना, ज़्यादा देखना। अच्छा ध्यान से समझना, ये तो बात हमारी किसकी हुई, हमारे एसी आर्क वेल्डिंग बात चल रही है ना। अब ध्यान समझो, यहाँ पर देखो थिकनेस की बात कर लेते थोड़ा सा, कितनी मोटाई तक ये क्या कर सकता है, वेल्ड किया कर सकता है, ठीक है।
तो अगर हम इसकी मोटाई की बात करें, थिकनेस की बात करें, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर थिकनेस बढ़ानी है तो आपको इसका जो इलेक्ट्रोड है ना, इसकी मोटाई को क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहा जाए इसका पर्टिकुलर ऐसा कोई, मतलब मैं एक फिक्स वैल्यू बोलूँ तो ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और दूसरी बात यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू भी नहीं होती है। कारण बताते हैं क्यों, क्योंकि ये रोबोटिक से भी होती है, ऐसा नहीं है कि हम मैनुअली तो करते ही करते हैं, रोबोटिक भी होती है ना। तो ध्यान समझना, ये वाले जो इलेक्ट्रोड है इसकी जितनी ज़्यादा मोटाई होगी उतना ही आपका गैप अधिक हो सकता है, और जितना आपका गैप अधिक होगा उतने ही मोटे जॉब पर आप क्या कर सकते हो, वेल्डिंग कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम कितना होगा, मिनिमम का तो है, मिनिमम आपका लगभग 5 mm, कितना mm, 5 mm, 5 mm से अधिक मोटाई की शीट पर आप कर सकते हो, 3 mm पर ये नहीं होगी। 3 mm पर कौन सी होती, 3 mm पर केवल वो कौन सी होगी, गैस वेल्डिंग होगी। आपने देखा भी होगा कुछ पाइप वगैरह कुछ होते हैं ना, जिन्हें कंड्यूट पाइप कह देते हैं ना, तो उन पर अगर हम ये वेल्डिंग कराएंगे तो पिघलते चले जाएंगे, लेकिन कभी भी क्या नाम है, वेल्ड नहीं होंगे। ये 5 mm से ऊपर की जितनी प्लेटें आएंगी उन प्लेटों पर ये वेल्डिंग हो जाएगी आसानी से, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 5 mm है ना मैक्सिमम में, फिर आप क्या नाम है, लगभग कह सकते हो आपका 25 mm तक, है ना, 25 mm तक ये आसानी से वेल्ड हो जाएगी, 25 mm तक, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जितनी आप मोटाई बढ़ाना चाहो, जितना आप मोटाई बढ़ाओगे उतना ज़्यादा रोड की मोटाई भी क्या होगी, बढ़ेगी, समझ गए ना मेरी बात को। मिनिमम कितना mm होगा, 5 mm तक होगा। कोई परेशानी यहाँ पर, समझ में आ रहा है यहाँ तक, अच्छा क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा केवल और केवल लोहे पर होगी, पहली बात तो केवल और केवल क्या होगी, लोहे पर होगी। दूसरी बात भाई कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर क्रिएट करेगी, 4000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर क्रिएट करेगी। इलेक्ट्रोड किसका बना होगा, मीडियम कार्बन स्टील का होगा। इलेक्ट्रोड होल्डर किसका होगा, कॉपर का होगा। इलेक्ट्रोड का जो क्लैंप होगा, क्लैंप वो किसका होगा, ये भी किसका होगा, आपका कॉपर का रहेगा। लीड वगैरह जो ट्रांसफार्मर यूज में लिया जाएगा वो कौन सा होगा आपका, वो हमेशा आपका रहेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर एक शब्द नहीं आया, एसी और डीसी, है ना कि नहीं। डीसी को आप थोड़े समय के लिए क्या कर दो, छोड़ दो, क्योंकि आजकल जो मशीनें आ रही है ना, जितनी भी मशीनें आजकल आ रही है उसमें एसी और डीसी दोनों का सिस्टम दिया हुआ है। क्या कर देते हैं, एसी और एसी के बाद में रेक्टिफायर लगा करके एक सप्लाई निकाल देते डीसी की, और बाकी आपका एसी वैसे रहता ही रहता है ना कि नहीं, है ना, समझ गए होंगे ना मेरी बात को यहाँ पर। तो ऐसा इसलिए यहाँ, इसलिए एसी के साथ में यहाँ पर क्या आया हुआ, डीसी भी आया हुआ है। तो क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा अब देखो, सुनो मेरी बात, कैसे क्या करना है, प्रोसेस क्या रहता है, दोबारा समझ लेते थोड़ा सा। टच करके क्या करना है, हटाना, और एक फिक्स गैप बना कर रखना है। गैप कितना बना के रखना है, 3 से 5 mm का। एग्जाम में कितना लिखा जाएगा, 3 से 5 mm का गैप उतना ही रहता है जितनी कि आपकी इसकी क्या रहेगी, रॉड की मोटाई रहेगी। रॉड की मोटाई भी लगभग 3 से 5 mm का व्यास रहेगा, ठीक है। तो 3 से 5 mm की मोटाई में, हाँ जो मैंने, अच्छा मैंने रॉड की मोटाई बोल रहा हूँ मैं, है ना, रॉड की मोटाई, और इस रॉड का जो यहाँ पर जॉब के और इस इलेक्ट्रोड के बीच का गैप, जॉब के और इस इलेक्ट्रोड के बीच का गैप वो कितना रहेगा, वो रहेगा 3 से 5 mm का। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। हाँ TIG वेल्डिंग में ये चीज़ अलग थी, है ना, वो 0.125 mm से 3 mm तक का था, वो TIG वेल्डिंग चीज़ अलग होती है ना, ये हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्लियर हो रही है बात। टच और गैप को हमेशा हमें इतना ही कॉन्स्टेंट बनाए रखना है, अगर इससे गैप का मान क्या हुआ बढ़ा तो आर्क टूट जाएगी, और आर्क टूट जाएगी तो फिर वह टच करके आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब स्पार्क बनेगी। तो 2-3 बार हमें टच करके हटाना पड़ता है, तब फिर वो इलेक्ट्रोड गर्म होगा, फिर फ्लो बन पाएगा वेल्डिंग करने का। या फिर अगर आपने गैप कम कर दिया और ये दोनों पार्ट क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए, मतलब एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ गए। तो जुड़ने के बाद में, क्योंकि इलेक्ट्रोड क्या रहता है, गर्म और पिघला हुआ रहता है, और जॉब कैसा रहता है आपका, मतलब थोड़ा ठंडा रहता है, तो इलेक्ट्रोड पिघले हुए पोजीशन में सीधा जाके किससे हो जाएगा, जॉब से जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद ऐसे मतलब तुरंत ही जॉब क्या कर लेगा, उसे अपने साथ जोड़ लेगा। जोड़ने के बाद में फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, है ना।
तो कुल मिलाकर कहा जाए इस तरीके से हमेशा याद रखना, टच भी नहीं होना चाहिए, तो एक निश्चित गैप बना रहना चाहिए, ठीक है। निश्चित क्या बना रहना चाहिए, गैप बना रहना चाहिए। तो इसका सिद्धांत क्या रहता है, ये प्रतिरोध के सिद्धांत पर कार्य करने वाली वेल्डिंग है ना। एसी आर्क वेल्डिंग कह दो या डीसी आर्क वेल्डिंग कह दो, दोनों ही वेल्डिंग क्या है, प्रतिरोध के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो प्रतिरोध उत्पन्न होने से हीट क्रिएट होगी, और हीट क्रिएट होने से ही तो क्या होती है, वेल्डिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर स्पार्क भी किसके लिए, एक बीच में गैप बनाए रखने के लिए होता है, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसको वेल्डिंग को करते समय हमारे को कुछ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का मतलब आप समझ रहे होंगे भाई, जहाँ पर भी हमारे पास 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पर भी क्रिएट होगा, वहाँ अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, मतलब आपकी पराबैंगनी किरणें वहाँ से निकलती है, पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों को क्या कर देती है, नुकसान पहुँचाती है। अगर मान लीजिए हम इन खुली मतलब सिंपल आंखों से अगर हम वेल्डिंग को देखते हैं, तो वेल्डिंग क्या हो जाएगा, हमारी आंखों एकदम पूरी तरीके से, जैसे हम सोएंगे ना हमारे सामने बत्ती से जलेगी लाल रंग की। तो कुल मिलाकर के वेल्डिंग लगना कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो कभी भी हमें खुली आंखों से वेल्डिंग को नहीं देखना चाहिए, और इससे क्या होता है, आंखें खराब भी हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, जब भी हम वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग करते समय ऑटो ग्लास का उपयोग करना चाहिए। कौन से ग्लास का उपयोग करना चाहिए, ऑटो ग्लास का उपयोग करना चाहिए। अब ऑटो ग्लास क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, जैसी वेल्डिंग स्टार्ट होगी तो वेल्डिंग स्टार्ट होते हुए ग्लास क्या हो जाएगा, अपने आप ही ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और जैसी आपकी वेल्डिंग क्या होगी, क्या बंद होगी, बंद होते ही क्या होगा, वो ऑटो ग्लास क्या हो जाएगा, आपका तुरंत से फिर दोबारा साफ हो जाएगा, मतलब वाइट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए, वेल्डिंग करते समय किस ग्लास का उपयोग किया जाता है, तो ऑटो ग्लास का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एक प्रोटेक्टर भी होता है ना, प्रोटेक्टर को भी आगे लगा करके वेल्डिंग की जाती है। तो प्रोटेक्टर के अंदर भी जो ग्लास लगा रहता है वो भी क्या रहता है, आपका ऑटो ग्लास रहता है। वेल्डिंग करते समय हमारे पास जो दस्ताने होने चाहिए वो लेदर के रहने चाहिए, ठीक है। लेदर, क्रोम लेदर के दस्ताने बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, क्रोम लेदर के दस्ताने। ऐसे सेफ्टी जो शूज़ रहते हैं वो भी किसके रहते हैं, क्रोम लेदर के रहते हैं ना। तो क्रोमियम का शेप कहाँ रहता है, अंदर की तरफ रहता है, और ऊपर की साइड क्या नाम है आपका, चमड़े का रहता है, ठीक है। और उसके ऊपर भी रबर रहता है, सबसे ऊपर क्या रहता है, रबर का। लेकिन बोले जाते हैं किसके, क्रोम लेदर के बोले जाते हैं, होता है उसके अंदर भी रबर है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ अलग होते विद्युत के ना, तो क्रोम लेदर का इस उपयोग होता है, ठीक है। और हमारा मतलब पूरा शरीर क्या होता है, एक ढका हुआ रहता है, एक मतलब एप्रेन होता है, एप्रेन के ऊपर भी हमारे एक क्या नाम है तरीके से, मतलब एक तरीके से ढका रहता है ना, रबर का एक मतलब एक रबर टाइप का कुछ शूट रहता है, तब उसको पहन करके वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। अच्छा, इतनी सब जानकारी आपको मिल गई होगी ए सी आर्क वेल्डिंग के बारे में। अब इसकी बात समझो, इसकी एक तो लागत कम आती है ए सी आर्क वेल्डिंग में, और अन्य वेल्डिंग की अपेक्षा लागत कम आती है, और इसकी दक्षता लगभग रहती है 85% तक। हमेशा याद रखना, ए सी आर्क वेल्डिंग की कभी भी कोई पूछता है कि दक्षता, दक्षता का मतलब क्या होता है, जो वेल्डिंग ज्वाइंट इससे बन करके तैयार होगा और पूरा जो प्लेट होगी, तो प्लेट जहाँ पर वेल्डिंग नहीं है वो प्लेट की दक्षता तो मान के चलते 100%, उसके एवज में जहाँ जॉइंट बना हुआ, अब जॉइंट बना हुआ तो जॉइंट तो सीधी सी बात है कमजोर पॉइंट हो जाता है ना वो, तो कुल मिलाकर के वहाँ पर उस पॉइंट के उस जो सिंपल है उसके हिसाब से उस पॉइंट की जो दक्षता मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, 85%। वैसे तो देखो 85% मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में 84 भी आया हुआ है ना, 84 या 85 बात एक ही होती है ना, 85%। डीसी के अंदर अलग रहता है, डीसी के अंदर 61% रहती है ना, डीसी में 61 भी रहती है, और एसी में कितनी रहती है, 84 है ना, 84 आता है, 84 कर देना, नहीं तो 85, तो आपका 85 भी रहेगा ना। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, कोई परेशानी भाई, ये बिजनेस वाले जो गुरुजी वगैरह है ना, ये सब भैया और देवताओं, या पढ़ाई वाली क्लास चलती है, या तो उल्टी सीधी क्लास तो ना चल रही है कि जो आप ना पैसा कमाओ, ये करो, ये मत इन लोगों को कर दो अलग, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, है ना, समझ गया ना मेरी बात को, या कोई परेशानी वाली बात तो नहीं ना। तो आपके समझ में आ गई इसकी दक्षता कितनी रहेगी, आपकी कितनी परसेंट रहेगी, 85% तक रहेगी, ठीक है, 84-85% तक रहेगी, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई, इस ये वेल्डिंग में कहा जाए, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना,
वो डीसी की अपेक्षा कहा जाए ये हल्के रहते हैं, तो इसको लाइन ले जाने में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है ना। छोटा सा एक ट्रांसफार्मर, आजकल तो छोटी मशीन भी आने लगी है ना, तो उससे भी आपकी वेल्डिंग हो जाती है। तो कुल मिलाकर के इसके इंस्ट्रूमेंट्स भी क्या रहते हैं, वो थोड़े हल्के ही रहते हैं, और मतलब इसकी कॉस्ट भी क्या आती है, कम आती है। तो आज के लिए हम इसको यहीं पर ही मतलब समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में जो हम बात करने वाले हैं डीसी आर्क वेल्डिंग लेकर के, इसके क्वेश्चंस वगैरह थोड़े से देख लेंगे ना। हाँ 84 या 85% आपको लगाना है, बिल्कुल वहाँ समझ गए होंगे ना मेरी बात। लोहे पर कौन सी वेल्डिंग होती है, मतलब एसी आर्क वेल्डिंग केवल केवल किस पर होगी, लोहे पर, लोहे से बने उपकरणों पर वेल्डिंग होगी। कौन सी वाली होगी, एसी आर्क वेल्डिंग, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। इसका पीडीएफ वगैरह जो भी है आपको डाउनलोड करना है, वो कहाँ से करोगे, हमारा जो पीडीएफ वाला वाईफाई स्टडी का जो ऐप है, उस ऐप पर जाकर के आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके मतलब इसको अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाओ, है ना। अगली क्लास में ऑटो ग्लास क्या हो किसका मतलब सही सब अगली क्लास में हम इसकी बात करते हैं ना, और डिटेल के साथ बात करेंगे। अभी ऑटो ग्लास कहीं जा नहीं रहा है ना। आज के लिए धन्यवाद, करते हैं अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।